गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जयदेव कुमार फ्रॉम के बी सी आर पी एम मोकामाघाट। लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। ओके पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, अ वैल्यू which is located in middle or center of the given data or given series and it is represent to all items of the series or given data is known as central tendency। आपको मैंने बताया सेंट्रल टेंडेंसी को सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा भी कहा जाता है और सेंट्रल टेंडेंसी को सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ डेटा भी कहा जाता है। ओके इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी को स्टूडेंट्स एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जो गिवन डेटा है, जो आपको सीरीज दिया गया है, जो रिसर्चर ने ठीक है डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा का एवरेज ही क्या कहलाता है, औसत क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। ओके इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट क्या हैं। तो इसमें मैंने आपको डिस्कस किया ऑल दोज मेथड्स और स्टेटिस्टिकल टूल्स विच प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और विच प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ गिवन डेटा इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी किसी भी गिवन डेटा का या गिवन सीरीज का जिस मेथड से भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं या सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उन सभी मेथड्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ओके इसके बाद मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मेथड्स आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अर्थमेटिक मीन। ओके अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आस्ड most commonly used methods for calculation of central tendency। और मैंने आपको ये भी बताया कि 11th के सिलेबस में इन्हीं तीन methods को include किया गया है। ओके तो हम वन बाई वन इन तीनों measures को arithmetic mean, median and mode, तीनों methods को वन बाई वन discuss करेंगे और इनकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ओके तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को। हिंदी में इसे अंकगणितीय माध्य बोला जाता है या कभी कभी इसी को समांतर माध्य बोला जाता है। ठीक है अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य बोलते हैं इसको, क्लियर। कभी कभी इसे सिंपल मीन भी बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन को सिंपल मीन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन एंड मोड, स्टूडेंट्स ये तीनों ही अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड तीनों ही क्या हैं, मीन हैं। समझ गए, तीनों ही क्या हैं, एवरेज हैं।
अर्थमेटिक मीन को भी मीन बोला जा सकता है, मीडियन को भी मीन बोला जा सकता है, और मोड को भी मीन बोला जा सकता है, या तीनों को हम एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अर्थमेटिक मीन और बाकी मीन्स में डिफरेंस क्या है? अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल मीन भी बोल देते हैं, कभी लिखा हो कि व्हाट सिंपल मीन, तो आप समझ जाइए कि हम मीडियन और मोड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में समांतर माध्य भी बोला जाता है या साधारण माध्य भी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ नेम्स आर डिनोटेड फॉर अर्थमेटिक मीन। तो आपको याद रखना है, जब भी बोला जाए कैलकुलेट मीन, तो समझ जाइए कि यहां पर आप अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी बात की जाए सिंपल मीन की, अर्थमेटिक मीन की, तो इसका मतलब क्या होगा? अर्थमेटिक मीन। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है? ठीक है, तो यहां देखिए लिखा है, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब भी हम किसी डेटा का या कोई इन्वेस्टिगेटर किसी डेटा का स्टूडेंट्स सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन करने का प्लान करता है या सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करता है, तो उस कैलकुलेशन में जो सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है। जनरली रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स या कैलकुलेटर्स किसी भी गिवन डेटा का या किसी भी गिवन सीरीज का सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है? अर्थमेटिक मीन का किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मीन यूज होता है वो कौन सा है? अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? एंड इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स। यानी किसी भी सीरीज में या किसी भी डेटा में जितने आइटम्स गिवन हैं आपको, आप उन सभी आइटम्स का सम कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए, एंड दिस सम और एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। और जो आपने सम किया है, जो टोटल किया है, उस टोटल को आप उस सीरीज में गिवन आइटम्स की काउंटिंग से, नंबर से उस सम और टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा। यानी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं उनकी सभी की वैल्यूज को आप क्या करना है? सम कर लेना है, और इस सम को डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, इन जो इस सीरीज में आइटम्स दिए गए थे उनको काउंट कर लेना है, जितनी काउंटिंग है उस काउंटिंग से सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स को डिवाइड कर देना है, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, सिंपल सा एग्जाम्पल हो सकता है इसका स्टूडेंट्स। देखिए, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, देयर आर एन आइटम्स आर अवेलेबल ऑफ एक्स वेरिएबल। कोई एक एक्स वेरिएबल है जिसके हमें एन आइटम्स दिए हुए, एन आइटम मीन्स कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, पांच हो सकता है, 15, 20, 50, 100। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑफ एक्स वेरिएबल यानी एक्स वेरिएबल के कुछ आइटम्स दिए गए, एन आइटम्स दिए गए हैं। ठीक है, लाइक एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट,
एक्स एन, यानी ये nth नंबर है, n की जगह 10 हो जाएगा, अगर n इक्वल टू हम कर दें 10 तो क्या होगा n 10, n इक्वल टू हम मान लेते हैं 15 तो n की जगह कितना आ जाएगा x 15। ठीक है, तो यहाँ n मीन्स नंबर, लास्ट नंबर या टोटल नंबर, क्लियर। तो देखिए भाई जो लिखा था हम लोगों ने, देयर आर n आइटम्स आर अवेलेबल ऑफ x वेरिएबल लाइक x1 x2 x3 x4 .. xn, देन द अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय। तो अर्थमेटिक मीन हम इसका कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया कि आपको जितने भी सीरीज के आइटम्स दिए हैं, जितनी भी वैल्यूज ऑफ आइटम दी हैं उनका सम कर लेना है, यानी मान लीजिए एक्स वैल्यू कुछ है तो हम क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस .. प्लस xn। अब क्या करना है आपको, इन आइटम्स को काउंट कर लेना है कितने हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएंगे xn तक, तो जो xn का नंबर होगा वही क्या होगा टोटल काउंटिंग या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। उस टोटल नंबर ऑफ आइटम से आपको क्या करना है, इस जो आपने सम किया है, जो ये टोटल किया है, इस टोटल को n से ही आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है, और इनको डिवाइड करने से जो भी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट वही वैल्यू क्या होगी मीन वैल्यू होगी ये। ठीक है, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 प्लस xn हमने किया और इसे डिवाइड किया n से, तो जो भी वैल्यू मिली है क्या हो गई मीन हो गई, यही क्या है अर्थमेटिक मीन है। तो हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम ऑफ द सीरीज। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए एक सीरीज दिया है एक्स एन करके ही, तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीरीज दी हुई है आपको, जो x1 x2 की जगह हमने केवल क्या लिख दिया 1 2 3, तो यहाँ लास्ट आइटम कौन सा है 8, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इनका हमें सबका जो ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज है, सीरीज की वैल्यूज दी हुई हैं, तो क्या करना है आपको, इन सबसे पहले इन सब का सम कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, कैसे 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 plus 7 28 and 28 and 8 कितना हो गया स्टूडेंट 36। तो सम क्या हो गया इन सभी आइटम्स का 36, और n की वैल्यू कितनी है 8, तो हम 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा 4.5, यही क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हो जाएगी, यही सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस सीरीज हो जाएगी, यानी 4.5 जो है वो इन सीरीज के बिल्कुल मिडिल में लोकेट होगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा 4.5 को स्टूडेंट्स सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस सीरीज कहा जाएगा। क्लियर, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। एग्जाम्पल मैंने आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी दे दिया स्टूडेंट्स, और वेरिएबल्स की फॉर्म में दे दिया, यानी अगर आपको कोई सीरीज दी हो तो उस सीरीज के जो आइटम्स या वैल्यूज दी हो सबसे पहले उनको आपको क्या करना है टोटल कर लेना है, इसके बाद इनके नंबर्स को काउंट कर लेना है, जो नंबर्स होंगे
उनसे इस सम को डिवाइड कर देना, यानी एन से डिवाइड कर देना है, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब नोट, अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, यानी जो हम यहां पर मीन लिख रहे हैं या अर्थमेटिक मीन लिखेंगे, इसको आप एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स बार मीन्स आप एक्स बनाइए और एक्स के ऊपर एक बार लगा दीजिए, एक हॉरिजेंटल लाइन बना दीजिए, जिसे मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाई एक्स बार। अगर आप कहीं पर भी अर्थमेटिक मीन लिखना चाह रहे हैं, वहां पर आप अर्थमेटिक मीन ना लिख के एक्स बार लिख देते हैं, तो इस एक्स बार को क्या पढ़ माना जाएगा, एक्स अर्थमेटिक मीन माना जाएगा। यानी आप अर्थमेटिक मीन को एक्स बार की फॉर्म में भी प्रदर्शित कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ओके तो जो हमने फार्मूला यहां लिखा है, अब हमने देखिए इस फार्मूले के हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहां हमने ये क्या किया है, आइटम्स को, सीरीज के सभी आइटम्स का सम किया है, और सम को मैथ में हम किससे, समेशन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम सिग्मा भी बोल देते हैं कभी कभी, समेशन। और किसका समेशन कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स के आइटम्स का। आइटम्स को हमने यहां क्या माना, एक्स मान लिया, यानी हम जो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन लिखा हुआ है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स, और एन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, तो अगर हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार लिख दें, ठीक है, सम ऑफ आइटम्स को, सम ऑफ एक्स, अर्थमेटिक मीन को एक्स बार लिख दें एंड सम ऑफ आइटम्स को हम समेशन एक्स लिख दें और एन को नंबर ऑफ आइटम्स को एन लिखें, तो यही फार्मूला स्टूडेंट्स इस तरह से भी करेक्ट होगा। यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, वेयर एक्स बार इज, एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन, समेशन एक्स मीन्स सम ऑफ ऑल आइटम ऑफ गिवन सीरीज, एंड एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ गिवन सीरीज, यानी गिवन सीरीज में जो टोटल नंबर दिए हुए हैं उनका काउंटिंग क्या है। क्लियर, तो आई होप स्टूडेंट्स आप सीख गए होंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या है और अर्थमेटिक मीन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। ओके फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। यहां केवल मीन लिख दिया है, यहां होना चाहिए अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट्स कभी कभी जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन, एक्सप्लेन एनी टू मेरिट्स एंड टू डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स कि मैं आपको अर्थमेटिक मीन्स के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट भी आपसे डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन्स के मेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स क्या हैं। ओके तो पहला मेरिट है स्टूडेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थ्रू अर्थमेटिक मीन। यानी आप जब भी अर्थमेटिक मीन से सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं, इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज बिकॉज अर्थमेटिक मीन बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज। समझ रहे हैं, फर्स्ट मेरिट में ये बताया गया है आपको कि अगर आप
अर्थमेटिक मीन से सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी अपनी गिवन डेटा की, अपनी सीरीज की सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगी। सभी डेटा को, अपनी सभी वैल्यूज को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, क्योंकि हम जो अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट करते हैं ये गिवन डेटा के या सीरीज के सभी वैल्यूज के यूज से कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा सम ऑफ ऑल आइटम्स अप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। देखिए सम ऑफ ऑल आइटम्स यानी आपने जो एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट की है वो ऑल आइटम्स के सम करके कैलकुलेट की है। कोई भी आइटम इसमें निगलेक्ट नहीं किया गया है, छोड़ा नहीं गया है। इसलिए जब भी आप अर्थमेटिक मीन की हेल्प से सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपनी सीरीज के सभी आइटम का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा, अपने आइटम्स सभी आइटम्स को सबसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा एज कंपेयर टू अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है? सेकंड, द व्यू पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड uses of arithmetic mean is more simplest method of all measures of central tendency। आगे students आप जब arithmetic mean के बाद median calculation पढ़ेंगे, जब आप mode की calculation पढ़ेंगे या other measures of central tendency को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे, observe करेंगे कि arithmetic mean जो है वो अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, कुछ भी हो, उन सबसे सिंपल है कैलकुलेशन में। अर्थमेटिक मीन का यूज अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, यूज भी सिंपल है। इसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको सभी वैल्यूज ऑफ आइटम को सम कर लेना है और इस सम को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। बाकी कोई प्रोसेस इसमें और नहीं है, ठीक है? तो अदर के कंपैरेटिवली अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन बहुत इजी और इसका यूज बहुत इजी है। ये अर्थमेटिक मीन का एक मेरिट है। लास्ट वन, अर्थमेटिक मीन इज मोर स्टेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी अगर आपने स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन की हेल्प से सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो बहुत स्टेबल होती है, कंप्लीटली स्टेबल होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं उनके कंपैरेटिवली अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट की गई सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मोर स्टेबल। देखिए यहां लिखा है मोर स्टेबल, अदर के कंपैरेटिवली अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है मोर स्टेबल होती है। और ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन आइटम्स ऑफ डेटा और सीरीज हैव मिनिमम इफेक्ट ऑन अर्थमेटिक मीन। अगर मान लीजिए जैसे टू एक सीरीज गिवन है, मान लीजिए एक सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8, इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इनका सबसे पहले सम कर लेंगे, तो सम कितना हो जाएगा इनका 20, और इस सम को आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 आइटम है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 5,
फाइव आया ना, यानी सेंट्रल टेंडेंसी इस सीरीज की कितनी हो गई, फाइव, यानी यहां पर लोकेट होगा। देखिए दो इससे पहले हैं, दो इसके बाद में हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। और इस जो हमने सीरीज कैलकुलेट की स्टूडेंट्स, इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आया, फाइव। अब मान लीजिए इस सीरीज में डेटा बढ़ा दिया जाता है, डेटा बढ़ जाता है, आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो सीरीज अभी हमने जिसका फाइव अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, टू फोर सिक्स एंड एट, इसमें क्या है, चेंज इन द आइटम्स और डेटा, डेटा चेंज हो जाता है। मान लीजिए ये दस हो जाता है और एक बढ़ गया। अब इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करिए तो सम पांचों का कितना होगा, थर्टी, और वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया, फाइव, तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो अब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। देखिए आइटम बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया, दस एक साथ बढ़ गए, लेकिन एवरेज में कितना सा इंक्रीज हुआ, कितना सा चेंज हुआ, केवल वन पॉइंट का चेंज हुआ। तो जब भी आप अर्थमेटिक से सेंट्रल टेंडेंसी की कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि ये अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन सभी आइटम्स के बेस पर की जाती है, इसीलिए जो लास्ट चेंज आता है डेटा में या आइटम्स में, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट अर्थमेटिक की मीन की कैलकुलेशन पे नहीं पड़ता, बहुत छोटा सा इंपैक्ट पड़ता है। यानी डेटा अगर बढ़ जाता है सीरीज का डेटा अगर बढ़ जाता है या घट जाता है, तो अर्थमेटिक मीन में उतनी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो लगभग अभी भी प्रीवियस वैल्यू के नियर अबाउट रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थमेटिक मीन इज मोर स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मोर स्टेबल रहता है। लेकिन अगर अदर मेजर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेटा के चेंज होने के साथ साथ उनकी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू भी बहुत तेजी से चेंज होती है। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स मेरिट्स हैं अर्थमेटिक मीन के। सबसे पहला मेरिट मैंने आपको क्या बताया कि अर्थमेटिक मीन्स की हेल्प से आप जब भी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये एक गुड रिप्रेजेंटेटिव होगा अपने ग्रुप का। क्यों? क्योंकि ये ऑल आइटम्स के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कैलकुलेशन और यूज ऑफ अर्थमेटिक अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कंपेरिजन में ईजी है। और तीसरा स्टूडेंट्स मैंने बताया कि अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कंपैरेटिवली अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होती है। ये मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन है। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स की, ठीक है। डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन का सबसे बड़ा डिमेरिट स्टूडेंट्स ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज को, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यानी सीरीज की जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम, उसको निगलेक्ट करता है, उसका अर्थमेटिक मीन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारी कॉलोनी में 10 फैमिलीज हैं, ठीक है, 10 ए बी सी डी ई, फाइव फैमिलीज का एग्जांपल लेते हैं, 10 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये फाइव फैमिलीज हैं हमारी कॉलोनी में, जिसमें ए फैमिली बहुत रिच है, जो एक महीने में मान लीजिए 2000 रुपये, एक महीने में 2000 रुपये खर्च करती, जस्ट एग्जांपल, ओके। और बी फैमिली है, ये 500 रुपये महीने खर्च करती है। सी फैमिली है, ये 100 रुपये महीने खर्च करती है। डी फैमिली है, ये मान लीजिए
₹50 खर्च करती है और ई फैमिली ये भी ₹50 मंथली खर्च करती है। ठीक है, अब हम देखिए इन फैमिलीज का अगर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड देखें तो एक्सट्रीम वैल्यू किसकी होगी? ए फैमिली की। मैक्सिमम वैल्यू इसकी है और लोएस्ट वैल्यू ई फैमिली की है एक्सपेंडिचर में, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहां 2000 है या ओनली 50 रुपीज एक्सपेंडिचर पर मंथ है। लेकिन अब इनका अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करें, अब इनका हम एवरेज एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, तो एडिशन कितना आएगा इन सब का? 100, 200, 205, 700 एंड 2000, यानी 2700, 2700 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है स्टूडेंट? 5, 5 है। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 5 ठीक है, 4 एंड 0 इतना ही आएगा। एक मिनट, ओके, कितना हमें सम मिला था स्टूडेंट्स? 2700 डिवाइडेड बाई 5, तो इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? 540। यानी इस अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें, इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करें, तो हमें पता चलेगा ए बी सी डी एंड ई फैमिली ये सभी एवरेज 540 रुपीज का कंजम्पशन पर मंथ करते हैं। तो अगर आप देखें तो ई का मंथली एक्सपेंडिचर कितना था स्टूडेंट? 50 रुपीज। तो ये इसके नियर अबाउट हो सकता है, लेकिन ए फैमिलीज का जो मंथली कंजम्पशन था स्टूडेंट 2000, क्या ये इसके नियर अबाउट है? लोएस्ट वैल्यू जो दी है और जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की, इसका अंतर कितना है स्टूडेंट्स? 490 रुपीज। जबकि एक्सट्रीम वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अंतर कितना है? 4060 रुपीज। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या ये एवरेज वैल्यू इस एक्सट्रीम वैल्यू का 2000 का एक गुड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं या अर्थमेटिक मीन से सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सीरीज कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यू को डिस्टॉर्टेड किया जाता है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, एक्सट्रीम वैल्यूज को इसमें निग्लेक्ट किया जाता है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन है। क्लियर है? यानी मेन डिफेक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इज दैट इट गेट डिस्टॉर्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, यानी जो सीरीज की एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनको इसमें उपेक्षित कर दिया जाता है, विकृत कर दिया जाता है, डिस्टॉर्टेड कर दिया जाता है। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन का यही डिफेक्ट है। ओके, एंड सेकेंड, सम टाइम्स अर्थमेटिक मीन गिव्स लॉफेबल कंक्लूजन्स, और कभी कभी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन से हमें मजाकिया फनी कंक्लूजन देखने को मिल जाते हैं, लॉफेबल कंक्लूजन देखने को मिलते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 11 A सेक्शन, हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 11 में दो सेक्शन हैं, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन। ए सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं टोटल,
और बी सेक्शन में 51 स्टूडेंट हैं। ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 11th, तो ये दोनों ए और बी क्या हैं, 11th क्लास के ही सेक्शन हैं, ठीक है। अब आपको एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 11 देखना है, तो एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स का सम कर लेंगे, यानी 50 + 51 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लास, क्लास के नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्लास कितने हैं 2, ठीक है, और इसका सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 101/2, और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 50.5 स्टूडेंट। इज इट पॉसिबल, स्टूडेंट आधा हो सकता है क्या, क्या 0.5 स्टूडेंट हो सकता है क्या? पढ़ने से सुनने में ही ऐसी लगती है 0.5 स्टूडेंट, 0.25 स्टूडेंट्स पॉसिबल है। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन से फनी और लॉफेबल कंक्लूजन भी मिल सकते हैं। और एग्जांपल देखिए आपके सामने दिया हुआ है, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट इन क्लास 11th ए सेक्शन एंड 51 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th बी सेक्शन, देन द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 11 इज एक्स वॉर, यानी क्या है, अर्थमेटिक मीन और एवरेज इज इक्वल टू 50 + 51/2 इक्वल 101/2, यानी 50.5 स्टूडेंट्स। इट इज पॉसिबल, बिकॉज नॉट पॉसिबल लिखना है, नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर कैन नॉट बी हाफ स्टूडेंट, हाफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स ये मेरिट है अर्थमेटिक मीन का, कभी कभी ये हमें इस तरह से इंटरप्रिटेशन दे सकता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको दो डिमेरिट्स बता दिए अर्थमेटिक मीन का, एक अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम सीरीज के गिवन डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज को निग्लेक्ट करता है, दूसरा अर्थमेटिक मीन आपको कभी कभी लॉफेबल और फनी कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज अर्थमेटिक मीन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकल फॉर्म्स, यानी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे कि अर्थमेटिक मीन को किन किन मेथड्स में, किन किन सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट और इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स को डिस्कस किया। अब आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, नोट्स पढ़िए जो मैंने ई कंटेंट में प्रोवाइड कराए हैं आपको, फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ, ठीक है। और नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।